तो बच्चों, आज हम सभी एक चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे जो कि आपका ट्रैफिक चौराहे से संबंधित है। ठीक है, यातायात चौराहे से संबंधित है। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलोक आ जाएं। आलोक, आलोक बताइए इस चित्र चार्ट में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तेज तेज चौराहा, फिर से बताइए क्या क्या दिख रहा है? चौराहा, चौराहा दिख रहा है, ट्रैफिक लाइट दिख रही है, गुब्बारे बेचने वाला, ठेलिया, और बच्चे दिख रहे हैं, ऑटो दिख रहा है, और ये क्या है? बस दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है। बहुत बड़े आलोक के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद सुधा, इसमें तुम्हें यातायात के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं जिसमें चार पहिए होते हैं? नाम बताइए। बस में चार पहिए होते हैं, कार में चार पहिए होते हैं। बहुत बढ़िया सुधा, के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद मानसी, देखो चौराहे में बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, आदमी खड़ा है, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर किए, इसका क्या नाम है? यातायात पुलिस कर्मी। बहुत बढ़िया मानसिक, लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद अमर सिंह, इसमें तुमको कहीं ट्रैफिक लाइट दिख रही है? कहाँ पे है इसमें? कौन सी जल रही है? लाल। कौन सी नहीं जल रही है? पीली हरी। बहुत बढ़िया अमर सिंह, लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद विकास, तीन ट्रैफिक लाइट होती है, लाल, पीली और हरी। लाल जलने का मतलब क्या होता है? रुको। और पीली जलने का मतलब क्या होता है? चलने के लिए तैयार। और हरी का मतलब क्या होता है? आप आगे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्लैपिंग करिए। इसके बाद लवलेस बताइए ऐसे कौन से साधन हैं जिसमें दो पहिए होते हैं? दो, स्कूटी, मोटरसाइकिल। बहुत बढ़िया लवलेस, के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद भूमि, ऐसे कौन से साधन हैं जिसमें तीन पहिए होते हैं? ऑटो, रिक्शा और ठेलिया। बहुत बढ़िया भूमि, के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद पल्लवी, ये जो धारीदार पट्टी बनी है इसका क्या नाम है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है पैदल चलने वालों के लिए एक सड़क पर क्या होती है? धारीदार पट्टी होती है जिस पर पैदल चलने वाले लोग चौराहा को पार करते। बहुत बढ़िया क्लैपिंग करिए अपने लिए।